हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नम ओपस आदि पुरुष के सेकंड सॉन्ग यानी कि राम सिया राम सॉन्ग के 24 आवर्स के व्यूज और लाइक्स काउंट के बारे में और क्या क्या रिकॉर्ड इसने बनाए, कौन कौन से रिकॉर्ड वो बनाने से चूक गया थोड़ा सा के लिए, सबके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आदि पुरुष का जो पहला गाना निकला था दैट वॉज जय श्री राम, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे हिंदी में। जितने भी बॉलीवुड के जितने भी फिल्में हैं, एनी हिंदी सॉन्ग के लिए 24 आवर्स में सारे सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड जो है वो जय श्री राम के नाम पे था, जिसको कि 32.1 या 32.2 मिलियन के आसपास व्यूज मिले थे जितना हमको याद है। एंड जो प्रॉपर पोस्टर वर्सन निकालते हैं उस तरह का टी सीरीज नहीं कर रहा है, लेकिन जो लाइक्स काउंट थे वो करीब 5.5 से 6 लाख के बीच में थे, 5,70,000 के आसपास में उसके लाइक्स थे 24 घंटा में। अब जब ये गाना निकला राम सिया राम, तो हम बताए थे कि ये उससे ज्यादा अच्छा करने वाला है। और ये गाना हमको पर्सनली, क्योंकि आई एम मोर इन टू सूदिंग एंड स्लो सॉन्ग्स में हमको ज्यादा पसंद आता है, और ये गाना हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं, तो उसका एक अलग ही टच है, अलग ही एक फील है। तो ये गाना हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मतलब जो जय श्री राम गाना है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब जोश भरने वाला और मतलब एड्रेनलिन रश वाला है गाना, लेकिन ये वाला एकदम स्लो एंड सूदिंग एंड इमोशनल भक्ति, मतलब सब कुछ है इस गाने में। तो हमको लगा कि ये गाना जो है ज्यादा बेटर करेगा उससे। हालांकि व्यूज में अगर देखा जाए इतना सा के लिए चूक गया जय श्री राम का रिकॉर्ड तोड़ने पर, और ये नंबर 2 पोजिशन पे आ गया। और अगर देखा जाए व्यूज का, तो 32 मिलियन जो व्यूज हैं इसने हासिल किए, 32 मिलियन मतलब 32.1 तक नहीं जा पाया था, 32 मिलियन था 24 घंटे में, तो थोड़ा सा के लिए बस चूक गया, नहीं तो राम श्रीया राम जो है वो जय श्री राम का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर लाइक्स काउंट का बात करो तो लाइक्स काउंट वॉपिंग नंबर है, मतलब लगभग 50% से ज्यादा हाई इसका लाइक रेशियो है, क्योंकि जो लाइक्स आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8,65,000 के आसपास जो लाइक्स हैं इसके 24 घंटे में थे। अभी बहुत जल्दी इसका 1 मिलियन लाइक्स भी हो जाएगा। तो ये गाना को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा सुना गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ज़्यादा लाइक किया गया। एंड जय श्री राम को भी ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया गया, वो भी बहुत अलग यूफोरिया क्रिएट किया है वो। और ये गाना भी जो है उसका जो आदि पुरुष का जो पूरा ये है उसको और आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया। तो आदि पुरुष का जो अलग प्रमोशनल मटेरियल्स है, मतलब टीजर आया उसके बाद रुक गया, उसके बाद जो आदि पुरुष 2.0 बोल सकते हैं उसमें ट्रेलर आया, नंबर 1 बॉलीवुड में रह गया 24 घंटे में, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूड। उसके बाद पहला गाना आया वो भी नंबर 1, और दूसरा गाना जो आया ऑलमोस्ट नंबर 1 जाते रह गया, लेकिन नंबर 2 पे अब जाके स्थापित हो चुका है। आदि पुरुष 1 पे अभी, आदि पुरुष 2 पे भी है गाने में। अब देखते हैं आगे क्या आता है और उसको किस तरह का रिस्पांस मिलता है। एंड वंस अगेन एक बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस इंडिया ऑडियंस की तरफ से मिला है। सो आपका क्या ख्याल है इन सब के बारे में, और आपको क्या लगता है कि कोई और गाना जब आएगा तो वो क्या इसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्योंकि जनरली यही देखा जाता है कि जो भी फिल्म है उसका जो पहला गाना आता है वो सबसे ज्यादा उसको व्यूज मिलते हैं, सबसे ज्यादा लाइक्स का तो डिपेंड करता है कि गाना अच्छा है कि नहीं, लेकिन व्यूज काउंट जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद फिर सेकंड गाना थर्ड गाना से नीचे नीचे आने लगता है, लेकिन ये दोनों गाना एकदम नेक टू नेक रहा है, बस कुछ लाख व्यूज का इधर उधर का फर्क पड़ा है। अब देखते हैं अगला जो गाना आता है वो किस लेवल का होता है, और क्या आगे आने वाला कोई रिकॉर्ड इसको तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता है। जो भी राय है, जो भी थॉट हो आपके, इसके बारे में कमेंट बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी है, इंस्टाग्राम का लिंक होगा चैनल में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।